हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी वेंजर्स। आज बहुत दिनों बाद तूतिंग में धूप निकला है। लगभग एक सप्ताह बारिश हो रहा था और आज संडे भी है, तो हम थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं। और आज मेरे साथ है पीछे में राजा बाबू सर, और हम सियांग नदी के किनारे थोड़ा बैठेंगे आराम से। कल ओलिक ने सही बोला धूप निकलेगा बोल के। ये नहीं राजा संजय को थोड़ा थोड़ा उसमें दिख रहा था। तो गैस यहाँ से बिल्कुल ऑफ रोड है जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं उधर तक। और इस तरफ एक स्कूल भी है, कस्तूरबा गांधी। और ये है ग्रेप का कैंप। ये देखिए पानी कैसे जमा हो रखा है। कौन है यार? एक साल में देखना सर, इधर पूरा घर हो जाएगा। गैस हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम है BFC, तो उसका भी मैं बहुत सारा व्लॉग्स बनाया हूँ अभी तक। एक सुंदर जगह है सियांग नदी के किनारे। बस पहुँचने वाला हूँ। और गैस इधर है तुतिंग का एयरफील्ड। इधर ही पार्क करना पड़ेगा, आगे रास्ता बहुत खराब है सर। तो गैस ये देखिए, ये है रनवे तुतिंग के एयरफील्ड, और ये हमारा राजा बाबू सर। चलिए सर, तो बाइक को इधर ही पार्क कर देता हूँ क्योंकि आगे रास्ता ख़राब है बहुत। पहले बताते तो डालने वाले हो तो अच्छा कुछ पहन के आते। तो गैस वो देखिए सियांग नदी, अभी लगातार बारिश के वजह से कलर भी अभी मड्डी हो गया है। और आज डेट है 27 मार्च। तो समर आने लगा है, थोड़ा बहुत गर्मी होने लगा है इधर भी। अभी भी हम हेलमेट उतारा ही नहीं, उधर पहुंच के उतारूंगा। तो गैस अभी यहाँ से दो लकड़ी काटा था, सो एक टार्प शेल्टर लेके आया हूँ, उसको इरेक्ट करने के लिए चाहिए था। तो राजा बाबू सर करके जा रहे हैं।
और गैस यहाँ पे एक यहाँ का बुद्धिस्ट लोग का एक प्रेयर करने के लिए एक जगह है उधर, इसलिए यहाँ पे ढेर सारा प्रेयर फ्लैग्स लगा हुआ है। और इस तरफ ये आदमी दफनाते हैं, यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी है। तो गैस अभी हम आ गया ये रिवर बीच में। अभी इसका लैंडस्केप बिल्कुल बिगड़ गया जब से यहाँ पे ये बालू का क्वेरिंग शुरू हो गया है, नहीं तो बहुत ही सुंदर था, एकदम लेवल था ऐसे। अभी हम ढूंढते हैं कहाँ अपना टेन को पिच करेंगे। यही सही लग रहा है सब, ये थोड़ा फ्लैट भी है। अब्बा ये 6 दिन का बारिश में ये देखिए पानी इतना भर गया, करंट बहुत ही तेज है लेकिन पानी बिल्कुल मध्य हो गया, इसलिए उतना भी सुंदर नहीं लग रहा है अभी नदी। ठीक है गाइस, अभी हम लोग अपना टेन पीच कर लेते हैं। बहुत समय बाद अपना ये टेन लेके आया हूँ, एक ही बार इसको यूज किया हूँ मैं। क्यों, वहाँ नहीं लगाया था? ये अलग है, ये बेचने के लिए। अच्छा 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 तैयार हो गया फैन। अभी और एक ये ताप शेल्टर लेके आया था इसके लिए, लेकिन वो धंधा लगाना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में लगाएंगे इसको। हाँ इधर इस तरफ है ना, प्लेन होना चाहिए इधर आराम से देख ना। साथ में कुछ टॉवल वगैरह भी लाया हूँ। ठीक है, थैंक यू सर कैमरा को होल्ड करने के लिए। अभी सामान को इस तरफ लाता हूँ गाइस, आराम से एकदम शांति से टाइम स्पेंड करेंगे आज, शाम को निकलेंगे ना सर, आराम से बैठेंगे अभी। और गाइस साथ में एक ब्लूटूथ स्पीकर भी लेके आया हूँ, ट्राइबिट एक्स साउंड गो, तो बहुत ही एक बढ़िया स्पीकर है। इसका मैं अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया लेकिन बहुत पहले लिया था, 1 साल हो गया होगा। तो ये 16 वाट्स है, काफ़ी लाउड है और मुझे ट्राइबिट का प्रोडक्ट्स बहुत ही पसंद है। और ये काफ़ी मतलब पॉपुलर ब्लूटूथ स्पीकर भी है। जब मैंने लिया था इसको 2400 था, अभी भी उसी के आसपास है, तो बहुत ही अच्छा रेटिंग है इसका, साउंड क्वालिटी भी ज़बरदस्त है गाइस। तो गाना सुन के बैठेंगे हम अभी। राजा बाबू सर नेचर का ब्यूटी एंजॉय करते हुए, किताब शेल्टर भी लगाना पड़ेगा। इधर लगा देंगे इसको दोनों तरफ में। तो गैस हमने तार्प शेल्टर भी लगा दिया, बस ऐसे काम चलाओ लगाया हूँ, उतना ठीक से नहीं बनाया। और अभी धूप बहुत तेज़ हो गया तो इस वजह से ये लगाना ही पड़ा। अभी ये देखिए यहाँ तक छाव आ रहा है, तो आराम से बैठ सकेंगे एकदम शाम तक। बढ़िया, अच्छा लग रहा है यार, बहुत समय बाद आया हूँ। ठीक है गैस, अभी हम आराम करते हैं और एकदम शाम को ही निकलूँगा, गाना सुन के बैठूँगा शांति से। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में गाइस। काफ़ी देर बैठ लिया और अभी शाम होने लगा है, बहुत पहले सूरज डूब गया। अभी ये देखिए थोड़ा बहुत डार्क होने लगा है और हल्का हल्का ठंड भी पड़ने लगा है। कुछ देर सो लिया तो अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है। आज सुबह बहुत ही इंटेंस वर्कआउट किया तो काफ़ी थका हुआ था मैं,
थोड़ा नदी किनारे जा रहा हूँ, सामने से दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए कितना करंट है नदी का, इतना सारा पानी, वो भी नॉन स्टॉप बहते रहता है, कितना पानी है खत्म होता ही नहीं। तो पीक विंटर में तो उधर तक मतलब पानी उधर तक गिर जाता है, तो ये सब बीच जैसा बन जाता है। अभी ये एक सप्ताह नॉन स्टॉप जबरदस्त बारिश है, उस वजह से फिर से पानी यहाँ तक आ गया। और हो रहा राजा बाबू सर अभी भी वीडियो ले रहे हैं, वो यूपी का है गाइस, तो उनको भी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके। पानी अभी भी बहुत ठंडे गाइस, इधर ऐसे शाम को बैठ के तो मजा आता है। सच में गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद मैं आया हूँ यहाँ पे, लाइक 2 महीना हो गया होगा। पहले तो मैं अक्सर आते रहता था, सुबह यहाँ आके वर्कआउट करता था और शाम को भी ऐसे आराम से अकेला बैठने आता था। तो गाइस बस इतना ही, कुछ देर बाद हम लोग निकलेंगे वापस अपना रूम के लिए। ये ब्लॉग मैं इधर ही रख रहा हूँ, एक छोटा सा ब्लॉग था। आई होप यू एंजॉय वॉचिंग इट। थैंक यू, सी इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।